सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द UBPCS क्रैश कोर्स 20 डेज करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स। तो उसमें आपका स्वागत है और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्रैश कोर्स। तो उसके लिए आप सभी का वेरी बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल की तरफ से, UPSC उड़ान की तरफ से। मैं निहित किशोर आपका जो करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स लूँगा। तो आज हम लोग पहले दिन बिल्कुल स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, तो पहले दिन जो हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आज के दिन में, दैट विल बी द करंट अफेयर्स, वो नवंबर और दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स। और उसके साथ साथ हम लोग 100-100 क्वेश्चन दोनों महीने के भी देखेंगे। तो पूरे नवंबर और दिसंबर महीने का जो करंट अफेयर्स होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो न्यूज़ में थे उन दो महीनों में, और फिर उसके MCQs भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले दिन के लिए सबसे पहले हम लोग नवंबर से इसको स्टार्ट करते हैं। अगर तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रेडअप से हमने ये नवंबर महीने का करंट अफेयर्स लिया हुआ है, जिसको मंथली जीके डाइजेस्ट भी बोलते हैं ये लोग। तो और ये आपके लिए सफिशियंट है और बहुत ही एनफ होगा आपके लिए करंट अफेयर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो उसके बारे में अगर स्टार्ट करें तो क्योंकि UBPSC के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आपको फैक्चुअल हो जाते हैं, जैसा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, हम लोग कल भी डिस्कस करेंगे सेकेंड डे, बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ये वाला जो करंट अफेयर्स की जो बुकलेट है ग्रेडअप की, इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली उसके हिसाब से ही डिज़ाइन करी है। आप लोग इसको हर डेटा जो है उसको ध्यान से देखेंगे और दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आप इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पहला आप देख सकते हैं कि किर्लोस्कर कैपिटल हैज रिसीव्ड RBI लाइसेंस टू स्टार्ट अ नॉन NBFC, दिस इज नॉट रेलिवेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह से आप लोग धीरे धीरे आप देख लेंगे जब हम 12 महीने का पूरा डिस्कस कर लेंगे, कौन से जो न्यूज़ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये एक न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैक्रो लेवल पे हमारे लिए बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होंगे दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखें तो हम जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी मैं आपको कवर करता हुआ चले जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छठे नंबर का जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया का, उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा है, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, और उसका नाम जो है दैट हैज बीन गिवन एज NSE GoBid। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको सेबी के चेयरपर्सन ने उस टाइम पे लॉन्च करा था। ठीक है, देन इफ यू गो फॉरवर्ड तो अगर हम आगे देखें कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो ये कभी कभी एक्विजिशन और मर्जर के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो NIIF है, उसने IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को खरीद लिया है, जो डेट फंड था इसको खरीद लिया है इस एक्विजिशन ने। ओके, तो ये जो एक्विजिशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये NIIF का स्ट्रेटजिक फंड का पहला ऐसा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, पहला एक्विजिशन है इसका। ठीक है, फिर अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि जो ये है आपको RBI है वो उसने एक डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जो है वो सेटअप किया है, जिसके अंदर जितने भी बोरोवर्स हैं, जिसमें कि विलफुल डिफॉल्टर जो होते हैं NPS वगैरह के अंदर जो आते हैं, या जिनके खिलाफ पेंडिंग लीगल सूट्स है, उन सबको एक पर्टिकुलर रजिस्ट्री दे दी गई है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। इससे बेसिकली होगा क्या कि अल्टीमेटली मान लीजिए कभी बैंक्स को किसी को लोन देने के लिए कोई आपके अगर बैंक जाता है, तो उन प्रॉपर जितने भी विलफुल डिफॉल्टर जो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुके हैं, या फिर जिनका टाइमली पेमेंट नहीं हुआ है, NPA के अंदर है, या फिर जिनके ऊपर लीगल सूट्स चल रहे हैं, तो उनका डेटा जो है वो बैंक एक्सेस कर सकती है, एंड दैट विल बी हेल्पफुल जब उनको अगला फर्दर जो लोन प्रोवाइड करना है उसमें बैंक इसको इन चीज़ों को देखकर प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो वही सब चीज़ें आपको इसमें बारे में आपको जानना है। फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने 75 रुपीज़ का एक कॉइन रिलीज करा है 75th anniversary नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कमेमोरेट करने के लिए। ओके, तो ये आपको न्यूज़ जान लेना है कि पूछ सकता है कि 75 रुपये का कॉइन जो है वो किसके आपको मेमोरी में और किसके लिए डेडिकेट किया गया है, तो वो आप इसको डाल सकते हैं यहाँ पे। देन तो पहला एक डिजिटल ब्रांच कर्नाटका बैंक ने बेंगलुरु में ओपन करा है। ठीक है, तो डिजिटल ब्रांच है इसलिए इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा कि कर्नाटका ने डिजिटल ब्रांच एक अपना ओपन किया है, बाकी कोई इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। फिर सशक्त इंडियन असेट मैनेजमेंट, जो ये एक आपको है कंपनी, एक असेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च करी है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब आरबीआई ने, और इसका जो पैनल बनाया गया था इसके लिए, दैट वॉज सुनील मेहता पैनल। तो ये एनपीए इशू को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर हमारी सशक्त स्कीम है। तो सुनील मेहता की कमेटी का नाम याद रख लीजिए, और एक आपको असेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई गई, दैट वॉज नोन एज सशक्त इंडिया। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल यूएस कंपनी इन मार्केट कैपिटलाइजेशन पास्ट एप्पल। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो फाउंडेशन डे 63rd एमपी का मनाया गया आपको, दैट इज ऑन 1 नवंबर 1956, ठीक है। उसके बाद जो नवंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज हैं, दैट इज आयुर्वेदा डे 5 नवंबर, उसके बाद 10 नवंबर इज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो ये आपको डेट अभी जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जब ये मैं ये पोस्ट कर दूंगा सारे डॉक्यूमेंट्स को, तो आप इसको याद कर सकते हैं, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। हाँ, जो आपको लगेगा कि इसमें कुछ इग्नोर करने वाली चीज भी हो सकती है, वो आप खुद ही इग्नोर कर लेंगे, ठीक है। जैसे वर्ल्ड टॉयलेट डे, दैट आई थिंक इज नॉट दैट मच रिलेवेंट हमारे लिए, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं एक बार को। 12 नवंबर इज निमोनिया डे, 14 नवंबर इज डायबिटीज डे, तो डेज आप देख सकते हैं इसमें से, ओके। इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। ऑबिचुअरीज आई विल सजेस्ट प्लीज इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो मैक्सिमम एक या दो क्वेश्चन आएंगे, बट वो भी मुझे हार्डली चांसेस लगते हैं कि जो आपको ऑबिचुअरीज यानी किसी की डेथ हुई है सेलिब्रिटी वगैरह की, वो क्वेश्चन रेयरली चांसेस है कि वो पूछे जा सकते हैं, ओके। न्यू अपॉइंटमेंट्स में अगर बात करें तो ये नवंबर 2018 हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स दिए गए हैं आप इनको नहीं पढ़ेंगे, इनको आप इग्नोर करेंगे। जो भी कुछ ऐसा चीज़ होगा, जैसे कि स्कीम कोई लॉन्च हुई, जैसे हमने भी आरबीआई के बारे में ऊपर देखा जो एक पोर्टल लॉन्च करा उन लोगों ने, फिर हमने सेबी के बारे में देखा, फिर वो प्रोजेक्ट सशक्त देखा हमने, तो ये सारी चीज़ें दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। बट अल्टीमेटली जैसे कि मैं आपको और आपको बताऊँ, ये अनुपम खेर ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजाइन कर दिया एफटीआईआई से, ठीक है। इसके बाद दो और नए लोग आ गए हैं इस पर्टिकुलर एफटीआईआई के लिए सेलेक्ट होकर, तो ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि इंडियाज एम्बेसडर टू ईरान इज गद्दाम धर्मेंद्र अपॉइंट हुए, बट अभी कौन होगा दैट इज नॉट श्योर कि यही है अभी भी, बिकॉज दीज थिंग्स गेट चेंज, ओके। क्योंकि इनका पर्टिकुलर कोई फिक्स टर्म नहीं है हमारे लिए, तो हमारे लिए अपॉइंटमेंट्स वही इंपॉर्टेंट होंगे जो पहले के हैं, दैट इज जिसमें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसपे कि फिक्स टेन्योर होगी 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, या फिर कोई गवर्नर है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अभी के लिए। इसलिए अपॉइंटमेंट्स में 1 साल पुराने अपॉइंटमेंट्स आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा अभी, ठीक है। इंडिया के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो अब ये भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये चीज़ें चेंज हो गई, 77 से मोर इम्प्रूव करके अभी 50s में आ चुके हैं, इसको भी हम लोग अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे, ये नवंबर जो अगले साल वाला हम डिस्कस करेंगे लास्ट दिन, उसमें हम लोग देख लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज नहीं करेंगी, जैसे कि जो धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज है, ठीक है, अभी भी नवंबर में हो रही है ये, बट ये इंडिया जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इसका नाम चेंज नहीं होगा, चाहे वो 2018 में हो या 2019 में हो। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि धर्मा गार्जियन कहाँ का मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया एंड जापान। आफ्टर दैट फिर इंडिया और जापान के बीच में एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया, किसके लिए, तुर्गा पंप स्टोरेज के लिए, ठीक है, जिसको तुर्गा नाला के ऊपर बनाना है, और ये वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, ठीक है। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नया ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम ICGS वराहा है, उसको कॉरपोरेट शिपयार्ड के पास से लॉन्च करा है चेन्नई में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीजें यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सिम्बेक्स जो है, दैट इज अ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज है, दैट इज अ मैरिटाइम एक्सरसाइज। इंडिया और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में समुद्र शक्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडिया और रशिया के बीच में जो एक्सरसाइज है, दैट इज इंदिरा, जो अभी भी रिसेंटली हो रही है, ठीक है।
तो स्वयं जो है वो एक पोर्टल है एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, हायर एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए पोर्टल डेवलप किया गया है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। तो स्वयं एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है पहले भी कि स्वयं जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। फिर दो और हायर की एजुकेशन के दो नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, दैट इज लीप एंड अर्पित। तो ये सब आपसे बस क्वेश्चन में कैसे पूछे जाएंगे कि लीप एंड अर्पित इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, हायर एजुकेशन, टेक्सटाइल, पावर, MSME। तो आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जो कि जानना है, ठीक है। फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ई लर्निंग पोर्टल निपुण लॉन्च करा है। तो निपुण आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये एक ई लर्निंग पोर्टल है जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा स्पेशलाइज कोर्सेज के द्वारा जो कि एक्सपर्ट डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो निपुण दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के जो चिल्ड्रन के लिए नेशनल फेस्टिवल बनाया गया, दैट इज नेम्ड एज हौसला 2018। ये न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। फिर लॉजिक्स इंडिया 2019 के लिए जो लोगो एंड ब्रोशर वो लॉन्च किया गया, तो ये लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए था। फिर IMD ने बेसिकली एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप करा है जो कि इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग अप्रोच दैट विल बी असेसिंग द राइज ऑफ वाटर लेवल इन रिवर्स एंड रिजर्वर्स बाई रेन। तो रेन से जितना भी रिजर्वर्स में वाटर लेवल राइज हो रहा है उसको असेस करेगी और रिपोर्ट देगी ये पर्टिकुलर नई टेक्नोलॉजी। तो डेवलपर जो है वो IMD है, ठीक है। जो NPCC है, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको जो है वो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है। स्टेट्स की न्यूज की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे उस टाइम पे सत्यपाल मलिक, उन्होंने सौभाग्य रथ एक पर्टिकुलर स्कीम आपको लॉन्च करी जिसमें कि 20 व्हीकल्स जो थे वो हर डिस्ट्रिक्ट से जम्मू कश्मीर के निकलेंगे या राजभवन जम्मू से, ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट में वो 1 महीने तक मूव करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी जो पर्टिकुलर हाउस होल्ड है उस पर्टिकुलर एरिया में जम्मू कश्मीर के वो अनइलेक्ट्रिफाइड ना रहे, ठीक है। और जो इसकी फ्लैगशिप स्कीम है दैट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। उसके बाद INS विराट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि INS विराट जिसका जो है जो उसको डीकमीशन कर दिया गया है, उसने अपना काम कर लिया पूरा, तो उसको एक फ्लोटिंग म्यूजियम में कन्वर्ट करने के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। वो ये नाम पूछ सकते हैं कौन से कैबिनेट, कौन सी जो शिप थी दैट हैज बीन गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म इन टू अ फ्लोटिंग म्यूजियम। नाउ दिस कैन बी आज रसगुल्ला डे 14 नवंबर वेस्ट बंगाल हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व, ठीक है। फिर सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एक जो है आंध्र प्रदेश में खोलने की बात कही गई है, उसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी थी। देन लॉर्ड बुद्धा का एक 70 फीट ऊंचा स्टैचू जो है वो बिहार में राजगीर में अनवील किया गया, बनाया गया, ठीक है। और ये इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू है, टॉलेस्ट स्टैचू है बुद्धा का, ठीक है। फिर जो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है उसका नाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कर दिया गया है, दैट हैज बीन रिनेम्ड एज अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट कुछ देखें हम तो वर्ल्ड में अगर देखें तो जापान ने ISA ज्वाइन कर लिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। फिर लास्ट ईयर की जो आसियान समिट हुई थी दैट हैज वाज हेल्ड इन सिंगापुर। नाउ दिस RCEP न्यूज आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गया बिकॉज RCEP नेगोशिएशन को इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है इससे,
इंडिया इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आरसीईपी एग्रीमेंट, तो इसके जितने भी न्यूज आपको मिलेंगे पिछले एक साल में उन सबको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन काउंसिल जो है ITU, उसका इंडिया को मेंबरशिप दे दिया गया 2019 से 2022 तक का, ठीक है। ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। फिर 2018 का जो एडजेक्टिव एज अ मतलब जो एग्जेक्टिव एज अ वर्ड ऑफ द ईयर, टॉक्सिक वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिक्लेयर किया है, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2018। उसके बाद इसरो ने हाइसिस जो है वो लॉन्च करा, दैट इज हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, इंडिया का ये अब अपना हो चुका है, ये पहले नासा के ने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है ऐसे टेक्नोलॉजी वाला, दैट इज हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, जिसको आपको इसमें 30 कॉमर्शियल सैटेलाइट भी इसके साथ लॉन्च किए गए थे टोटल 8 कंट्रीज के सैटेलाइट्स को इसरो ने लॉन्च करा था, ओके। फिर कोप इंडिया जो है That is between India and US. India और US का military exercise है ये, ठीक है। उसके बाद आप ऑनर एंड अवार्ड्स में आप देख सकते हैं कि 100 बेस्ट फॉरन लैंग्वेज फिल्म में इकलौता इंडिया से जो फिल्म है दैट इज पैथर पंचली, ये सत्यजीत रे की मास्टर पीस थी, ठीक है, और इसको 15 रैंक दिया गया है पूरे लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद और अगर देखें तो स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में अगर आए तो स्पोर्ट्स न्यूज के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यूपी में, तो स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में अगर बात करें तो जो भी आपको फेमस ट्रॉफीज वगैरह कुछ हुए हैं तो वो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, बट स्पोर्ट्स में मुझे नहीं लगता कि एक साल पुराने चीज़ में ज़्यादा कुछ पूछ सकते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा रिसेंट होगा उसके बारे में हम ज़्यादा ये करेंगे। जैसे कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हिमा दास जो है वो यूनिसेफ के इंडियाज यूथ एम्बेसडर चूज़ किए गए हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद ATP 2018 चैंपियनशिप के विनर हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है। उसके बाद सुब्रतो कप जो हुआ था इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, उसके जो विनर है बांग्लादेश क्रीडा शिक्षा प्रोत्साहन, ठीक है। देन अदर इम्पोर्टेंट न्यूज कि हरमनप्रीत कौर जो इंडिया की बैटिंग स्टार है उनको अब ICC वुमेन्स वर्ल्ड 2011 का जो है वो कैप्टन चूज किया गया था ICC के द्वारा, तो दैट इज आल्सो एन अचीवमेंट। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट न्यूज थे नवंबर महीने से करंट अफेयर्स रिलेटेड। अब हम लोग करंट अफेयर्स का नवंबर महीने का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमने करंट अफेयर्स क्लाउड से उठाया है और ये बहुत ही अच्छी कंपाइलेशन है इनकी, दोनों स्टैटिक और करंट अफेयर से क्वेश्चन दोनों डिस्कस ये लोग करते हैं, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बाकी मैं PDF अटैच कर दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नीदरलैंड्स इसका आंसर है कि नीदरलैंड इंडिया का पार्टनर कंट्री होगा किसमें, 25th DSTCII टेक्नोलॉजी समिट जो होगी 2019 की उसके लिए, ठीक है। उसके बाद सौरा जलनिधि स्कीम जो है वो ओडिशा ने लॉन्च करी है, सौरा जलनिधि सोलर एनर्जी आपको हेल्पर्स को हेल्प करेंगे फार्मर्स को इरिगेशन के लिए सोलर के थ्रू, वो स्कीम है। फिर ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है दैट हैज बीन 66 2018 के रैंकिंग के हिसाब से। उसके बाद ओडिशा ने एक अर्ली वार्निंग डिसिमिनेशन सिस्टम लॉन्च करा है, लेकिन उसको वर्ल्ड बैंक के साथ मदद से इसको इन्होंने डिजाइन करा है। फिर और सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2018 का रैंकिंग 77 था, अभी और अच्छा इंप्रूव हो चुका है, हम लोग रिसेंट रैंकिंग भी देखेंगे। फिर
आपको धर्मा गार्जियन मैंने बताया, जापान के साथ हमारी एक्सरसाइज है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी आप देख सकते हैं इसमें। ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स जो ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट पब्लिश करती है उसके अकॉर्डिंगली जो कोलकाता है वो टॉप पे है। उसके बाद INS, मैंने जैसे बताया INS विराट को है वो कन्वर्ट कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोटिंग म्यूजियम में, ये सारे क्वेश्चन। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो हमने करंट अफेयर डिस्कस करा है क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ दिए हुए हैं, तो आपको इसके हिसाब से पूरा नवंबर महीने का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप 100 क्वेश्चंस कर लेंगे अगर हर महीने का, तो आपके पास 1200 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे, प्लस मैं स्टैटिक के क्वेश्चन आपको दूंगा अराउंड 3000 प्लस। तो बहुत ईजिली आपके लिए जो पूरा UPSC का तैयारी है वो कंप्लीट आपके लिए बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स अगर देखें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर बात करें तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो आपको नीति फोरम जो नॉर्थ ईस्ट की हुई है उसकी सेकेंड मीटिंग गुवाहाटी असम में हुई है, पहली मीटिंग त्रिपुरा में हुई थी, दूसरी मीटिंग, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एक बॉडी है नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो जैसे हम बात करते थे कि नॉर्थ ईस्ट जो नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट है वो उसका सेकेंड मीटिंग गुवाहाटी असम में अभी हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो जो GDP हमारा है वो आपको यहाँ पे वो आपको जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होता है वो है कि GDP जो है वो CSO पब्लिश कर रही है और कैलकुलेट कर रही है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर RBI जो है वो एक ओम्बुड्समान स्कीम डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए इम्प्लीमेंट करेगी, जिसमें कि जितने भी एंटिटीज RBI के अंदर आएंगे उनके जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो इंडसइंड बैंक है उसने पहला इंटरेक्टिव क्रेडिट कार्ड जो है वो इंडिया में लॉन्च करा, जिसमें कि बटन्स दिए होंगे इंडसइंड बैंक नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड करके, ठीक है। तो वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट होगा कि पहला, बिकॉज एनीथिंग फर्स्ट जो भी हो रहा है कंट्री में दैट विल बी इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद इंडिया पोस्ट ने इंटरनेट फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है, जैसे कि बैंक्स में इंटरनेट बैंकिंग होती है उस तरह पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के लिए इंटरनेट फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई है इंडिया में अब, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक रिपोर्ट जो है इन द डार्क हाउ मच डू पावर सेक्टर डिस्टॉर्शन कॉज साउथ एशिया, ये पब्लिक्स कौन कर रहा है वो इम्पोर्टेंट आपके लिए, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, पावर से रिलेटेड है ये, आपको बस ये जानना है। फिर 100 रुपये का जो कॉमेमोरेटिव कॉइन है वो किसके लिए डेडिकेट किया गया है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। तो नए 20 रुपये के नोट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करने वाली है एडिशनल फीचर्स के साथ, जो नया लुक होगा इसमें, ठीक है। और ये भी महात्मा गांधी सीरीज के अंडर ही आ रहे हैं, बट इनका साइज थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। फिर जो एक्स्ट्रा रिजर्व RBI के होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में अभी रिसेंटली भी ये था कि उसके लिए जो कमेटी एक बनाई गई थी कि जो एक्स्ट्रा रिजर्व RBI की है वो गवर्नमेंट को कितनी ट्रांसफर करेगी RBI, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड थे बिमल जलान, तो दैट इज बिमल जलान कमेटी। डेट्स में बात करें तो 1 दिसंबर इज वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, इसमें कुछ आपको एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, आप देख सकते हैं इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे वो आप लोग इजीली जो है वो याद कर सकते हैं जब डॉक्यूमेंट हम पब्लिश कर देंगे वेबसाइट अपने चैनल टेलीग्राम के, ओके, ठीक है। जैसे नेवी डे 4 दिसंबर, ऑबिचुरीज जैसा मैंने कहा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, तो ऑबिचुरीज को आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे। नए अपॉइंटमेंट्स में ओनली दोज अपॉइंटमेंट जिनके जो टेन्योर है वो फिक्स्ड माने जाते हैं, ठीक है, वही अपॉइंटमेंट्स आप देखेंगे कब, जुलाई 2019 तक के करंट अफेयर्स में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं जो कि टेम्पररी है वो आप नहीं देखेंगे, बिकॉज दे माइट बी चेंज्ड जब आप आगे पढ़ेंगे इसको, तो जुलाई के बाद वाले आप देख सकते हैं, जैसे कि अब ये चेंज नहीं हुए हैं, शक्तिकांता दास इज स्टिल द गवर्नर ऑफ RBI, क्योंकि गवर्नर जो है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 3 साल के लिए सिलेक्ट हुए और क्योंकि उर्जित पटेल ने रिजाइन कर दिया था।
उसके बाद अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट अगर अपॉइंटमेंट हैं, जैसे कि अब ये देख लीजिए श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की तरह रिज़ाइन किया महिंद्रा राजपक्षा ने। तो ये अब श्रीलंका में इलेक्शंस बहुत ही इंस्टेबिलिटी है, इलेक्शंस हर 2-3 महीने पे हो रहे हैं, आप इसको याद नहीं कर सकते 1 साल पहले की न्यूज़ में। इस तरह से आपको करंट अफेयर्स को देख के चलना है। ये करंट अफेयर्स भी हम अगर साल भर का देख रहे हैं तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी वही हम देखेंगे 1 साल पहले के करंट अफेयर्स में। इंडिया की इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर बात करें तो एक्सकोप इंडिया, अगेन आपको US और इंडिया का है, मैंने आपको बताया था कि कोप लास्ट नवंबर वाले में भी कि कोप जो है वो इंडिया का है, जो इस बार के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा थे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हार्ट अटैक रिफाइंड जो है, ये बेसिकली एक कैंपेन है जो कि FSSAI ने लॉन्च करी है, जो कि इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट फूड सप्लाई में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हार्ट अटैक रिवाइंड इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। फिर पहला इंडिया का इंजन लेस ट्रेन, दैट इज लोकोमोटिव लेस ट्रेन, दैट इज ट्रेन 18, और जिसका अब नाम रख दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस, वो सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था दिसंबर में और अब तो ये काम ऑलरेडी चल रही है। तो दैट इज फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट प्रोपेल लेस और लोकोमोटिव लेस या फिर इंजन लेस ट्रेन बोल सकते हैं आप। फिर इसरो ने जो है अपना हेवीएस्ट सैटेलाइट जैसे जीसैट 11 5854 kg का, ये फ्रेंच गियाना के कोस्ट से, दैट इज एरियाने 5 लॉन्च व्हीकल से ऑलरेडी आपको लॉन्च कर दिया था, जो कि हेवीएस्ट सैटेलाइट इंडिया ने बनाई है इंडिया की तरफ से, बट वो इंडिया से लॉन्च नहीं हो सकती थी इतनी हेवीएस्ट सैटेलाइट, इसलिए फ्रेंच गियाना से किया गया। इसको बिग बर्ड भी बोलते हैं एंड दैट इज रिलेटेड टू आपको बीम कवरेज प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। फिर जैपनीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडियन एयर फोर्स के बीच में जो एक्सरसाइज है दैट इज नोन एज सिन्यू मैत्री 18। उसके बाद अगर बात करें तो अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज जैसे हम देखें, अगर तो रामनाथ कोविंद की जो कुछ सिलेक्टेड स्पीचेस हैं उनको कंपाइल करके वाइस प्रेसिडेंट नायडू जी ने रिलीज कराया, दैट हैज बीन नोन एज लोकतंत्र के स्वर। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पूछ सकते हैं लोकतंत्र के स्वर जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। देन फिर जो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे मनोज सिन्हा, उन्होंने एक पोस्टेज स्टाम्प डेडिकेट किया है 5 रुपए का, किसके लिए, राजकुमार शुक्ला फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह के लिए बेसिकली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और गांधी जी को जिन्होंने परसुएट किया था चंपारण जाने के लिए उनके इसमें। उसके बाद अगर बात करें इंडिया का जो लार्जेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट है वो झज्जर हरियाणा में आपको खोला गया है, ठीक है। फिर जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है और उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर गैस 2019 एक पर्टिकुलर ऑफिशियल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कि ग्लोबल एविएशन समिट मुंबई में होने वाली थी उससे रिलेटेड। फिर जो रेल रोड ब्रिज, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज होगी, दैट इज बोगी बिल होगी, उसको पीएम ने लॉन्च करा असम में, ठीक है। के बाद अगर बात करें, नाउ इंडियन रेलवे हैज डिसाइडेड टू ग्रांट 40% कंसेशन इन पैसेंजर फेयर्स टू ट्रांसजेंडर सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो ये भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। फिर 10th नेवल हॉस्पिटल जो इंडियन नेवी ने कमीशन किया है अपने नेवल स्टेशन कारंजा में, जिसका नाम है INHS सांधनी। तो INHS सांधनी क्या है वो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है। तो एक बुक्स भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम, जो कि टॉनी जोसेफ ने लिखा है। ये आपको आर्यंस के बारे में बेसिकली बात स्टार्टिंग वहां से की गई है। 1st December इज नागालैंड फाउंडेशन डे, ठीक है। फिर स्टेट्स की न्यूज़ के बारे में अगर और बात करें तो
फिर नागालैंड पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना जिसने सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 जो है वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड ₹100 एज अ चार्ज फॉर पीपल टू गेट देयर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड आफ्टर डिवीजन ऑफ फैमिलीज इमूवेबल असेट्स। जब डिवीजन हो जा रही है तो उसके बाद जो आपको बिहार गवर्नमेंट ने चार्ज फिक्स किया दैट इज ओनली ₹100। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें नाउ, जो पहला इंडियन स्टेट, अब तो ये स्टेट नहीं है यूटी है, दैट इनैक्ट वाज टू इनैक्ट अ लॉ बैनिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन बाय दोज इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी हैविंग अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप और अ पब्लिक सर्वेंट, वो जम्मू कश्मीर था। ठीक है, इंडिया का पहला म्यूजिक म्यूजियम जो है वो सेटअप होगा कहाँ पे, थिरुवयूरू। ठीक है, तो ये वहाँ पे आपको तमिलनाडु में सेटअप होने वाला है। उसके बाद जो 26 नेशनल चाइल्ड्रेस साइंस कांग्रेस है वो भुवनेश्वर में होल्ड हुआ। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2018 इस बार हरियाणा में हुआ था 2018 का। ठीक है, ड्विजिंग फेस्टिवल जो है वो तीसरा इस बार आपको किस रिवर के बैंक पे होता है, आई रिवर के बैंक पे चिरांग डिस्ट्रिक्ट में, तो वो अभी असम में सेलिब्रेट किया गया। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम जो कि बेसिकली आपको डायमंड से रिलेटेड है, उसकी चेयरमैनशिप जो है वो यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को दी है, इसलिए 2019 1 जनवरी से, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका जो मीटिंग हुआ था 2019 का, दैट वॉज हेल्ड इन ब्रुसेल्स बेल्जियम। फिर COP24 कैटोविस पोलैंड में कंक्लूड हुआ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया का जो प्रपोजल था 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया जाए, वो FAO ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, फिर कतर ने ओपेक जो कंट्रीज थी कतर ने उसको छोड़ने का फैसला लिया है और ऑलरेडी कतर हैज विथड्रॉन। उसके बाद बात करें अगर जो दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पहला वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में लॉन्च किया गया है, जिसको ब्लैडलिट्स्की ज़ावोद शिपयार्ड पे। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि रशिया में स्टार्ट हुआ है। फिर बुरुंदी जो है उसने अपना नया कैपिटल जो है वो बुजुम्बुरा से गिटेगा कर दिया है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट, पूछ सकते हैं कि कहाँ की कैपिटल है गिटेगा। UAE ने अपने डिप्लोमेटिक सर्विस जो है वो सीरिया में डमेस्कस में 6 साल के बाद स्टार्ट कर दिए हैं वापस से। ऑनर अवार्ड्स की बात करें तो साहित्य एकेडमी ने एनुअल साहित्य एकेडमी अवार्ड्स 24 लैंग्वेज में अवार्ड स्टार्ट किया, जिसमें कि अनीस सलीम जो है उनको इंग्लिश लिटरेचर के लिए मिला गया, जिसका उनका नॉवल था ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स। ठीक है, फिर प्रथमेश मलुंगिकार हैज बिकम द फर्स्ट एशियन या इंडियन टू विन मिस्टर सुपर नेशनल टाइटल एट किर्निका जेड्रोस पोलैंड। फिर मैरी कॉम को जो है वो टाइटल दिया गया है मिथोएलिमा, इन्होंने मणिपुर गवर्नमेंट ने ये टाइटल उनको कन्फर किया है। फिर पेटा का जो पर्सन ऑफ द ईयर 2018 है वो सोनम कपूर को बनाया गया है 2018 का। ओके, जैसे 17 में अनुष्का शर्मा थी। फिर सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम 2017 में जो दिल्ली गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था दिल्ली पुलिस ने, उसके कारण दिल्ली पुलिस जो है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। ठीक है,
तानसेन सम्मान इस बार का जो है वो नोटेड सितार प्लेयर मंजू मेहता को दिया गया है। स्पोर्ट्स न्यूज में बात करें तो स्पोर्ट्स का जो हाईएस्ट ऑनर है और इस आउटस्टैंडिंग सर्विस एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन एथलेटिक्स कमेटी में अभिनव बिंद्रा को दिया गया। उसके बाद FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2018 जो है वो बेल्जियम ने जीता था। नाउ इंडियन वुमेन जो कि फास्टेस्ट एशियन बनी है पूरे ग्लोब का साइकिल करने के लिए, दैट इज वेदांगी कुलकर्णी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है लास्ट में, दैट इज बैल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 2018 लुका मॉड्रिक जो क्रोएशियन फुटबॉलर है उनको चूज किया गया है। ठीक है, ये जो न्यूज़ थी आपके दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट थे। हम दिसंबर महीने के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला कोप इंडिया एक्साइज जो है वो इंडिया यूएस की है, सांगाई फेस्टिवल जो है वो मणिपुर का है। ठीक है, तो इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होगा, एक सांगराई डांस है दैट इज फ्रॉम त्रिपुरा और सांगाई फेस्टिवल है वो है मणिपुर से। पहला इंडियन ऑल फोर फेस्टिवल जो है वो महाराष्ट्र पुणे में हेल्ड हुआ था। थर्ड एशियन समिट मैंने आपको बताया मलेशिया में हो रही है, इस बार हुई थी 2018 की। ई दृष्टि जो एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है इंडियन रेलवेज ने, ठीक है, जो कि ट्रेन की पंक्चुअलिटी को ट्रैक करेगी। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर पहला इंटरनेशनल इंडिजिनस फिल्म फेस्टिवल जो होगा वो ओडिशा में 2019 में होगा, मतलब फरवरी में ऑलरेडी हो चुका है। उसके बारे में बात करें उसके बाद अगर तो अभिनव बिंद्रा जैसे हमने बात करी कि उनको दिया गया था हाईएस्ट अवार्ड। फिर जॉर्जिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट सैलोमे जुर्बावसिली बनी है। इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट वॉज हेल्ड इन रांची झारखंड। फिर वज्रकाया जो है टैक्टिकल एक्सरसाइज है, वज्रकाया दैट इज अ ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल ऑफ इंडिया एंड यूएस। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिसंबर महीने के भी मिलेंगे। ठीक है, सिन्यू मैत्री हमने अभी डिस्कस करा कि इंडिया और जापान की आपको एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। फिर G20 जो 2022 है उसके लिए इंडिया को होस्ट बनाने की बात अप्रूव कर दी गई है। ठीक है, 2018 का G20 समिट जो था वो ब्यूनस एयरेस अर्जेंटीना में हुआ, 19 वाला ओसाका में अभी ऑलरेडी हो चुका है जापान में। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो दो महीने का करंट अफेयर्स है दैट इज नवंबर एंड दिसंबर वो हमने कंप्लीट कर लिया, प्लस हमने 200 क्वेश्चन भी दिए हैं। ठीक है, बट ये आपको वहीं मिलेंगे, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। हम लोग इसको PDF में पोस्ट करेंगे, चारों PDF को हम पोस्ट करेंगे अभी आपके साथ जस्ट लेक्चर लाइव होने के बाद। टेलीग्राम चैनल UPSC उड़ान के, इसका डिस्क्रिप्शन आपको इस चैनल को ज्वाइन करने का हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा इसका लिंक। तो प्लीज़ आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, फिर हमारा बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मिस ना कर पाए अगली वीडियो जो हम लाइव होंगे रोज 7 बजे। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करिएगा, तभी आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे। सो डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक अच्छा डॉक्यूमेंट कंपाइल करके दे रहा हूँ, आपको डॉक्यूमेंट यहाँ से मिल जाएगा। और प्लीज़ 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 शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल सो दैट वी ऑल्सो गेट बूस्टेड और हम भी मोटिवेटेड रहें कि हम आपको हेल्प कर सकें। और साथ साथ आपको अगर कोई भी सजेशन देना है, जैसे आज पहला लेक्चर है, आपको लगता है कि कुछ और चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए करंट अफेयर से कोर्स में, तो वो चीज़ हम करेंगे डेफिनेटली। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दे सकते हैं प्लीज़। एंड कल जो हमारा दिन है सेकेंड डे, हम लोग क्या करेंगे 2009 एंड 2010 के UPSC के जो पेपर्स हैं उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है,
तो दैट वॉज ऑल फ्रॉम फर्स्ट डे. आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड इफ यू लाइक द प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद अदर्स और कॉमेंट में सजेशन और फीडबैक आप दे सकते हैं. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. यू टुमारो इन द सेकेंड लेक्चर. बाय बाय.